भक्त आ चुके हैं श्रीशैलम और बस वाले ने मंदिर से काफ़ी दूर छोड़ा है क्योंकि बस स्टैंड काफ़ी ही ज़्यादा दूर है, कुछ 1-2 किलोमीटर दूर है। वैसे मंदिर के गोपुरम तो हमें सामने दिख रहे हैं, तो आप कुछ लॉज होटल या धर्मशाला जो भी अपने को सुटेबल रहेगा। बोलिए मल्लिकार्जुन जी की। हाँ तो भोले के भक्तों, ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है यहाँ तो रूम्स अवेलेबल नहीं है, उसने हाथ खड़े कर दिए। बोला ओम नमः शिवाय, चल दिए कहीं और। अब ये यार ढूंढना पड़ता, बड़ी दिक्कत होती है। हाँ तो शंकर जी के भक्तों, मल्लिकार्जुन तो आ चुके हैं श्रीशैलम पे, और 5-6 जगह ट्राई भी कर लिया, ना ही कोई रूम मिल रहा है, ना ही कोई होटल, ना ही धर्मशाला, ना ही कोई लॉजेस, डॉर्मिटोरी मिली है एक जगह, वो कुछ खास नहीं लग रही। देखते हैं अभी, बाकी मेन एंट्रेंस तो यही है मल्लिकार्जुन का। ओम नमः शिवाय। शंकर जी के भक्त, गोपुरम दिख रहा है ना, यही है मेन एंट्रेंस। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। और इस समय टाइम 2:30 का हो रहा है, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ही तेज। ठीक है भक्तों, और नाकामिया भी मिल गई, हर जगह आदमी कर रहा है नहीं है नहीं है नहीं है। तो जो डॉर्मिटरी देख के आए हम, 6 लोग हैं, 4 बेड हैं, मतलब एक ही रूम में, वहीं करेंगे एडजस्टमेंट। देखो भाई, जो हम रूम ले रहे हैं उसमें 4 बेड्स हैं, तो वो भी डॉर्मिटरी है, ठीक ही है, 6 लोग 4 में एडजस्ट करेंगे। अब भीड़ है तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, बट वर्थ इट नहीं है, और कुछ कर भी नहीं सकते, सड़क पर थोड़ी ना सोएंगे। अब फिलहाल दर्शन अच्छे होने चाहिए, और क्या चाहिए, रात काट के अपने घर। ओम नमः शिवाय। हाँ तो भाई साहब, कुछ ना मिलने के बाद ऑटो कर लिया पाताल गंगा के लिए, उसी बीच में जो डॉर्मेटरी मिलेगी वहाँ पे ले लेंगे, यहाँ तो सब कुछ फुली है। घूमते घूमते कुछ समझ नहीं आया, एक ऑटो करा 20 रुपये सवारी का, और उसके बाद यहाँ डॉर्मेटरी सिस्टम में आए हैं। देखो, अगर शायद 100 रुपये का ये गद्दे वाला सिस्टम है ऐसे फ्लोर पर, और इसके पीछे बेड्स हैं वो शायद 200 रुपये है, और कोई चटाई सिस्टम भी है भाई, बाकी मेरे को पता नहीं क्योंकि रूम्स तो मिल नहीं रहे। अभी देखते हैं कि किस में डील होती है अच्छी सी, और हमें सही लगेगा तो लेंगे, यहीं फिर पाताल गंगा है उनके दर्शन करने जाएंगे। दर्शन क्या, डुबकी लगाने जाएंगे, शायद 400-500 सीढ़ी है, तो एडवेंचरस रहेगा सबसे पहला दर्शन। हाँ तो शंकर जी के भक्त, तो बहुत दिमाग खपाने के बाद कुछ मिला है, एक रूम और डॉर्मिटोरी अपने को समझ में नहीं आई, और वहाँ थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई एक आंटी की, तो इसने दूसरा रूम ले लिया है, वही ज़्यादा प्रेफरेबल है अपने लिए, क्योंकि अपने पास लगेज बहुत सारा है। तो ये जो पीछे दीवार दिख रही है मेरे सर के पीछे, ये है नंदीश्वर डॉर्मिटोरी, तो यहाँ से हमने ड्रॉप आउट कर दिया, यहाँ से हम फिलहाल, हमें पसंद नहीं आया तो इसी के रूम्स हैं पीछे बने हुए, तो वो लिए हमने, वो सुटेबल बनाएंगे अपने लिए। बोलिए ओम नमः शिवाय। बस चल ही रहे हैं, और अब इसके पास जाएंगे पाताल गंगा, वहाँ कृष्णा माता है, मतलब नदी है कृष्णा नदी, उसमें स्नान करेंगे, पहली बार स्नान करने वाले हैं। और कुछ लोग सीतापुर के मिले हैं, तो वो बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन जी जो हैं, जो ज्योतिर्लिंग है शंकर जी, उन्हें छू नहीं सकते, तो ये डिसअपॉइंटमेंट की बात है, क्योंकि पिछली बार आए थे तो मैंने पूरा सर लगा दिया था, बट अब तो पता नहीं यार क्या ही कर सकते हैं, जैसी भोले की इच्छा। और ये रूम है, रूम नंबर 11। भोले का भक्त, ये है देखो रूम। फिलहाल नाश से तो कुछ मिल गया, वरना बहुत ही ज्यादा भीड़ है यार। हाँ तो चल दिए हैं पाताल गंगा जी के दर्शन करने, दर्शन करने के नहाने चल दिए हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। तो शंकर जी के भक्तों, जो भी कोई मल्लिकार्जुन आ रहा हो तो होटल में प्रेफरेंस ना दें नहाने को, क्योंकि यहाँ कृष्णा माता हैं, जो कि कृष्णा नदी है, तो बहुत मुख्य नदी है भारत की, तो ज़रूर आना नहाने अगर मल्लिकार्जुन आ रहे हो तो। और वीडियो पहली बार देख रहा हो, मल्लिकार्जुन आने का नहीं प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम बना लो फिर, भोले के दर्शन ही कर जाओ। बट यह है कि भोले के दर्शन अब छू के नहीं हो रहे,
पिछली बार जब मैं था 2012 में तो छू के भी हो रहे थे और जल चढ़ा के भी हो रहे थे और सर लगा के भी हो रहे थे। अब तो दूर से दर्शन कर सकते हैं जैसे रामेश्वरम जी का करते हैं। तो ये थोड़े से दुख की बात है, बट सुख की बात यह है कि दर्शन होंगे। अगर मेन चीज़ ये है कि हम भगवान को देख तो सकते ही हैं। अब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि अगर सारे लोग भगवान जी को छूने लगेंगे तो फिर तो कैसे बाकी लोग दर्शन कर पाएंगे। सोच लिए जैसे भी अरेंजमेंट करा होगा। और ये अपनी टीम है, ओम नमः शिवाय। तो ये जो एंट्रेंस दिख रहा है यहीं से नीचे जाना है, लमसम 500 से 600 सीढ़ी के बीच में है स्टेयर केस, या फिर रोप वे से भी जा सकते हैं। तो अब देखते हैं, क्योंकि टाइम की अपने पास शॉर्टेज है, बट इतनी भी नहीं है कि काम ढंग से हो ही नहीं। हाँ तो भाई साहब उतर चले हम कृष्णा माता के दर्शन करने नहाने। ओम बाबू ओम हेलो इधर देख लो हल्के हल्के आते रहो। और सामने कृष्णा माता, अरे गजब है यार। हम तो बहुत ज्यादा आभारी हैं भगवान के कि भगवान अपने धाम बुलाते ही रहते हैं, एक बार नहीं हजार बार, और यहाँ भी दूसरी बार आ रहे हैं। और जब जब आते हैं हर बार कुछ ना कुछ नया ही मिल जाता है, और मिलना भी चाहिए भाई, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जितनी बार पढ़ो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जब दर्शन करने जाओ, तीर्थयात्रा पे जाओ, तो कुछ ना कुछ नया ही मिल जाता है। ओम नमः शिवाय। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, कृष्णा माता के दर्शन हो रहे हैं और स्नान करने जा रहे हैं हम पाताल गंगा। ओम नमः शिवाय।